जो है वो मनाया जाता है शॉपिंग को प्रमोट करने के लिए, और इसे नाम दिया जाता है ब्लैक फ्राइडे। नाम से सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ घाटा हुआ होगा, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यहां यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने अकाउंट की बुक मैनेज करता है, या फिर यूं समझिए कि भारत के अंदर जिस तरह से नव संवत के दिन बहुत सारी दुकानदार अपनी किताबों में नई बुक लिखते हैं, नए हिसाब एंट्री करना शुरू करते हैं, ऐसे ही अमेरिका में यह प्रचलन था कि जब भी कोई घाटा होता था तो उसे रेड कलर से लिखा जाता था, या फिर समझिए किसी व्यापारी के पास से अगर पैसा दूर जा रहा है तो उसे रेड कलर में बुक में मेंशन किया जाता था, और यदि पैसा एंट्री हो रहा है यानी कि कमाई आ रही है तो उसे ब्लैक कलर में लिखा जाता था। इस वजह से इस दिन में जो शब्द पड़ा ब्लैक, उसका महत्व निकल कर आया कि एक ऐसा दिन जिस दिन धन आता है, किनके लिए? दुकानदारों के लिए, और इससे शब्द बनकर आया ब्लैक फ्राइडे। तो केवल फ्राइडे ही क्यों, एक पर्टिकुलर दिन इस प्रकार से निर्धारित किया गया कि यहां से आगे की दुनिया यानी कि अब जो आने वाले महीने हैं वो क्रिसमस जैसे त्योहार, जो लास्ट में साल के अंत में सर्दियों की जो छुट्टी वाले दिन आते हैं, बड़े दिनों की जो छुट्टी, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, इन दिनों के सेलिब्रेशन में चलेंगे। तो अमेरिका में विशेष रूप से क्रिश्चियन सोसाइटी में क्रिसमस का जो महत्व है 25 दिसंबर का, उसके लिए एक महीने पहले से जो शॉपिंग शुरू हो जाती है, इस शॉपिंग को शुरू करने वाला दिन ब्लैक फ्राइडे है। इस तरह से अभी फिलहाल के अमेरिकी इतिहास में ये बात बताई जाती है।